वेलकम बैक है फ्रेंड्स, दिस साइड आरडी द रेम्बो बड़ी। और आज है 5 अगस्त 2020। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये सब तैयारी मैंने कर रखा है पहले से। बोन्स चिकन को साफ़ सुथरा करके कटिंग कर रखी है इनकी। और ये दही मैरिनेट करने के लिए, दही, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, नमक, और यह चाट मसाला, और ये अंगीठी, और ये कोयला। तो आज अभी 6 बज रहे, अभी इसको मैरिनेट इनका करके इसको फ्रिज में डाल दूँगा, ताकि ठीक 1 घंटे बाद निकाल के रोस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकूँ। तो अभी मैरिनेट जो दिखाया था अभी वो रेडी हो गया है, और अब इसको इसके अंदर मैं मिला दूंगा। तो ये मैंने मैरिनेट डाल दिया इसके अंदर, और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिला रहा हूँ। और इस मैरिनेट को मिलाने के बाद इसको ढक के फ्रिज के अंदर डाल रख दूंगा, और ठीक 1 घंटे बाद निकाल के रोस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। और तब तक मैं खुद भी फ़िलहाल अपने एंड्रॉयड टीवी में सिराक्स नाम का एक बंदा है जो बाइकर है, उसका वीडियो देख रहा हूँ। कोई नागालैंड में जा रहा है बंदा, ये रहा टाइम फॉर नागालैंड, टाइम फॉर नागमिटी इन नागालैंड। ये मिस्टर सिराक्स है, इनका वीडियो देख रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो एक और ऐड भी है, ये चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ है, इसके साथ मैं मटन रोल भी लेके आया था, तो इसको भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैरिनेट करके फिर ये सारा तो ग्रिल नहीं होगा, ये तो इसका जिसे तरी कहते हैं, तरी बनेगी इसकी। और बाकी इस ये और ये इसका आज बनाऊंगा चिकन प्लस मटन रोल मैरिनेशन, आफ्टर मैरिनेशन ग्रिलिंग भी बोल सकते हो आप, और चाहे तो आप इसको रोस्टिंग बोल सकते हो। एक्चुअल में इसको रोस्टिंग ही बोलना चाहिए। तो इसको भी पहले एक बार रोस्ट करके फिर इसके साथ भी डाल के ये इसको पैक करके फिर इसके अंदर 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। तो फाइनली इसको मैंने मैरिनेट करके, जो मटन रोल है उसको भी इसके साथ चिकन के साथ मैरिनेट करके, ये जो टेप होता है इसके साथ लगा के, और साथ साथ में जो है ये मैं खुद वीडियो एंजॉय कर रहा हूँ, टाइम फॉर नागमेट इन नागालैंड मिस्टर सिराज का वीडियो एंजॉय कर, जब तक मेरा ये मैरिनेट होता है 1 घंटे तक, तब तक मैं इनका ये वीडियो एंजॉय करता हूँ, और इसको मैं भी फ्रिज में डाल देता हूँ। तो अब इसको मैं अपने फ्रीज़र के अंदर मैरिनेट जो कर रखा है इसका, उसको मैं फ्रीज़र के अंदर डाल देता हूँ। ये मैंने इसको डाल दिया, और ये भी मैरिनेट हो रहा, तब तक इन दोनों को मैं 1 घंटे।
क्वांटिटी है जिससे आज मैं रोस्टिंग करूँगा उसको अब मैं स्टार्ट करूँ जलाना। और ये आग जला दिया मैंने, तो अब जैसे ये पूरा जल जाएगा धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, देख रहे हो गया आप, ये नीचे इसने आग पकड़ लिया, ये देखो आग इसने पकड़ लिया अंगीठी ने, ऊपर ये कोयला है। जब ये पूरा रेड हॉट हो जाएगा तब रोस्टिंग का काम आगे स्टार्ट करूँगा। चलो मिलते थोड़ी देर बाद। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हो रहा है 7:50 PM और आज तारीख है 5 अगस्त 2020। तो ये जो मैरिनेट था जो 1.5-2 घंटे पहले मैंने रखा था फ्रिज में मैरिनेट करके, वो अब मैरिनेट पूरी तरह से हो गया। इसको फिर से बाहर निकाल के ले आया मैं। ये चिमटा पक्कड़ जो भी इसको कहते हैं हमारी इंडियन देसी लैंग्वेज में, ये पंखा कभी कभी अगर बाई चांस हवा कम पड़े तो इसको पंखा मारने के लिए। तो ये देखो ये एकदम कोयला जो है लाल सुर्ख हो गया, एकदम रेड हॉट हो गया। तो इसका इंडिकेशन है कि अब इसको वहाँ पे डाल के रोस्टिंग का काम स्टार्ट करने का। चलो रोस्टिंग करते हैं। तो चलो अब फाइनली रोस्टिंग का काम स्टार्ट करते हैं। ये खोल दिया मैंने पैकेट इसका, यह मटन रोल, ये गया पहले, ये चिकन के पीसेस, ये सबसे छोटा वाला बीच में ताकि गिर ना जाए। तो अब ये स्टार्ट हो गया, अब धीरे 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 ये अपना रोस्ट होता रहेगा और बस इसको मैं पलटता रहूँगा धीरे धीरे ताकि अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाए आगे बिछा करके। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जैसे कि आप देख रहे हो जो मटन सीक है वो बड़ी जल्दी रोस्ट हो जाता है क्योंकि दुकानदार जो है वो पहले से ही इसके अंदर मसाला डाल के रखता है और मैंने खुद भी मसाला डाला हुआ है, तो इसलिए देखो कितनी जल्दी रोस्ट हो गया। बस अब चिकन रोस्ट होना बाकी है। चिकन भी रोस्ट हो ही गया ये देखो, क्योंकि मसाला पहले से डाल के खाता, मैरिनेट करने का यही फ़ायदा होता है, जल्दी जल्दी पक जाता है। बस अब इसको पलट कर देना है, पलट और थोड़ी देर बाद इसको इसके अंदर डाल के चटनी के साथ खाऊंगा। तो मिलता है थोड़ी देर बाद। तो अब फाइनली मटन रोल तो पहले ही हो गया था, मतलब रोस्ट हो गया था, अब चिकन भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसको हॉट केस में डालने का टाइम आ गया है। ये हॉट केस खोल दिया मैंने, ये मटन रोल पहले से हो गया, कुछ चिकन के पीसेस भी रोस्ट हो गए तो उनको भी रख दिया और अब चिकन को निकाल के ये देखो हो गया, अच्छी तरह से रोस्ट हो गया आगे पीछे से हर जगह से। अब बस इसको पुदीने की चटनी और नींबू के साथ सर्व करने का टाइम आ गया है। अभी जैसे ही प्लेट में सजाता हूँ, सजा के
आपको लास्ट फाइनल जो पिक्चर है वो शो कर दिखाऊंगा। तो अब ये रख दिया खाने के लिए, अब रेडी है। तो फाइनली अब जो है मेरा चिकन और मटन रोल रोस्ट हो गया। और जैसा कि अभी फ़िलहाल अगस्त 2020 आज डेट है 5 अगस्त, अभी फ़िलहाल पूरे वर्ल्ड में कोरोना का ही चक्कर चल रहा है, तो हम लोग बाहर जाके एंजॉय नहीं कर पा रहे और बाहर जाके एंजॉय करना भी नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी रिस्की है। कौन कैसे बना रहा है, कैसे पका रहा है, क्या उसके हाथ में जर्म्स है, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो आप खुद ही बना सकते हो, ऐसे आपके पास अगर टेरेस है, जैसे भी जैसे मैंने अपने बैल्कनी में बनाया, टेरेस हो बैल्कनी हो, छोटा सा अंगीठी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, बस वही चाहिए, कोयला तो मिल ही जाता है, बस ऐसे करके आप आराम से बना सकते हो। ये हरी चटनी, नींबू, प्याज और डाल दिया, और अब बाकी को भी ढक के रख दूँ ताकि ठंडा ना हो जाए, और टेस्ट करके देखता हूँ। ये नींबू निचोड़ा, थोड़ी सी चटनी डाली और ये प्याज के साथ मिला के टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा बना। बहुत ही अच्छा कुरकुरा बना एकदम, नींबू की वजह से टेंगीनेस आ गई है, पुदीना की चटनी है, प्याज है, बस और क्या चीज़ है। सो थैंक्स गाय, मायसेल्फ राजीव द ओनर ऑफ RD द रेनबो बॉडी चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ नाइस डे। ओके बाय।